नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे साथ ही रेशमा कौर के साथ और आप देख रहे हैं करंट न्यूज। राजस्थान के सियासी संग्राम में सोमवार सुबह सबसे बड़ा बदलाव हुआ। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के जिस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी उसे वापस ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अपील स्वीकार भी कर ली है। कांग्रेस की ओर से लड़ाई को अब अदालत की बजाय राजनीतिक रूप से लड़ने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस शुक्रवार को आए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकता है, ऐसी कुछ खबरें सामने आ रही है। और इसी बीच दिल्ली में कांग्रेस पार्टी राजस्थान के मसले पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। यहां दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी को भी हिरासत में ले लिया गया है। इसी के अलावा एक सबसे बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि राजस्थान के इस सियासी जंग में बहुजन समाज पार्टी की धमाकेदार एंट्री हुई। बसपा ने अपने उन 6 विधायकों के नाम को जारी किया जो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि वोटिंग में कांग्रेस के खिलाफ वोट करें, अन्यथा उन्हें अयोग्य साबित किया जाएगा, ऐसी सूत्रों के हवालों से खबर मिल रही है। विहिप के इसके तहत हाईकोर्ट में याचिका डालकर 10वें शेड्यूल के मसले को उठाया गया जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। राजस्थान का पूरा मसला अब कानूनी हो चुका है, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस लड़ाई को राजनीतिक बनाने की कोशिश करी जा रही है। राज्यपाल के द्वारा अभी विधानसभा का सत्र बुलाने से इनकार किया गया है। इसके अलावा देश के अलग अलग राजभवन जिला मुख्यालय के घेराव की बात कही गई है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत की ओर से कही गई इस अपील में विधानसभा का सत्र बुलाया जाए ताकि सरकार बहुमत साबित कर सके। हालांकि राज्यपाल ने अभी कोरोना के चलते इसके लिए मंजूरी नहीं दी है, सत्र नहीं बुलाया जा रहा। इसको लेकर कांग्रेस विधायक राजभवन में धरना दे सकते हैं, राज्यभवन के अंदर मुख्यालयों के सामने धरना दे सकते हैं, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ताज़ातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए करंट न्यूज़। धन्यवाद।